हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल। और आज हम लोग अपने घर में कर रहे हैं लाइटिंग। सो अभी हमने फर्स्ट नंबर लगाया है बालकनी का, बिकॉज आफ्टरनून में काफ़ी ज़्यादा धूप आ जाती है, तो हम लोगों ने यू नो सोचा कि मॉर्निंग में ही हम लोग काम बालकनी का निपटा लें। और अभी हमें घर के अंदर भी करती हैं, और जो हमारा घर का मेन गेट है वहाँ पर भी हमें लाइटिंग करनी है। सो एक्चुअली ये जो लाइटिंग का काम है ये हमारा हो जाता है धनतेरस से एक दिन पहले ही हो जाता है। तो इस बार आप लोगों को पता ही होगा, मेरे लास्ट ब्लॉग में हम लोगों का जो ट्रैवल फेल हुआ है, ये उस वजह से हम लोगों के प्रोग्राम सारे डिले चल रहे हैं। सो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है, तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। और लगे हुए हम दोनों अकेले, तो लेट्स सी। और ये है स्टार लाइट जो कि हम अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अभी उलझ गई है, ताकि मैंने दो दिन पहले निकाली तब तो उलझी नहीं थी, और पता नहीं ये अभी क्यों इतना ज़्यादा उलझ गई है। ठीक है, सुलझाती हूँ मैं इसे बैठ करके। आपका वीडियो देखा, आप लोग घर नहीं जा पाए, आपकी टिकट क्लियर नहीं हुई, तो आप यहाँ आके सेलिब्रेट कर लो। इसको यहाँ पे लगा दे, किसको, इतनी लंबी है ये, नहीं यहाँ नहीं है, तुम लग रहा है ऐसे। देखो देखो, तो ये हमें इसका प्लग तो कर दो, प्लग कहाँ लगेगा, प्लग तो इस साइड ले सकती हो ना। तो हम निकल चुके हैं अपनी लाइट का एक प्लग लगवाने, बिकॉज़ वो टूट चुका था और हम लोगों के पास सिर्फ प्लग नहीं था, तो हमें शॉप पे जाना पड़ा। और वहाँ हमें मिली आंटी, तो उन्होंने ये प्लग लगा दिया। हम लोग यहाँ पर और भी लाइट्स देख रहे थे, बट हम लोगों के पास इनफ लाइट्स हैं, हम लोगों को और लाइट्स की ज़रूरत नहीं थी, तो हम इसका हम लोग प्लग लगवा रहे थे इसमें। जैसा दिखता है अच्छा। और हम पहुंच चुके थे घर। घर पहुंच करके हमने जो हमारा मेन डोर है वहां की हमने लाइटिंग लगाना स्टार्ट कर दिया था, और इसको थोड़ा सा लगाने में डिफ़िकल्टी आई, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हैवी थी इसके जो वायर है, तो हम लोगों ने इसको डबल साइडेड टेप से ही हम लोगों ने इसको चिपकाया, जो हमें शॉप वाले ने दी थी कि उससे चिपक जाएगी, कुछ रेड कलर की आती है एक टेप, तो उससे हमने कोशिश करी, चिपक भी गई थी, लेकिन वो बार बार गर्म होकर के जब लाइट जलती है तो वो गर्म होकर के थोड़ा सा वो निकल भी आती है, तो हम लोगों ने फिर से कील से हम लोगों ने इसे एडजस्ट करा।
और अगेन हमारा एक और प्लग निकल चुका था हमारी एक और लाइट का, सो वो लोग हम लोग यू नो घर में ही उसे कारीगरी कर रहे थे हम लोग अपनी। और इसमें देखते हैं हम लोग इसको लगा पाते हैं या नहीं, हम लोग कोशिश तो हम लोग पूरी कर रहे हैं लगाने की। क्या बना रही हूँ? ये मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। इसमें मैंने ली 200 ग्राम खोया और 75 ग्राम पनीर और हाफ कप मैदा। और चाशनी में तुमने कितना कप डाला चीनी के लिए? 3.5 कप तुमने चीनी ली। हाँ। और 3 कप उसमें पानी मिला दिया। दो कप मिलाना था। दो कप। अब मैं इसकी जो मैंने ये इसका डो बनाया है पनीर खोया और मैदा का, उसकी मैं अब छोटी छोटी सी बॉल्स बना रही हूँ। फिर इसको मैं घी में फ्राई करूंगी। और अभी आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? अभी हो रहा है 1:15 रात के। और आज हम लोग पूरा दिन हमारा ना लड़ियां लगाने में लग गया, लाइटिंग्स करने में पूरे घर में, बालकनीज में, गेट के बाहर। वो मैं आपको कल दिखाऊंगी लेकिन हमने कहाँ कहाँ लाइट्स लगाई हैं। और बस उसकी मैं जैसी बॉल बन जाती है और मेरा घी गर्म हो चुका है तो बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी ब्राउनर में, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो ये बनी है 46 बॉल्स ना अपनी, मतलब साइज है ना कुछ छोटी बन गई मुझसे ना कुछ बड़ी बन गई। मैं बस इसको, मेरा ना घी गर्म हो चुका है। आदल करो वो देखो देखो मेरी बॉल्स देखो, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी लग रही है ना। थोड़ी 46 के 45-46 के आसपास बॉल्स। मैं इसको ना इतना सा ही ब्राउन करूँगी, इतना ब्राउन कर लूँगी मैं इसे। और ये मैं इसको डालूँगी चाशनी में डायरेक्ट निकाल करके। देखो कलर कितना प्यारा कलर आया ना। स्लोली एकदम मैं थोड़ा सा और डाल दूँ इसमें। इसको ना हिलाते रहो यार ताकि ना ये एक जैसा ही सिके। अगर हिलाओगे नहीं तो ये एक तरफ से सिकेंगे और एक तरफ से नहीं आने, कहीं कहीं से कलर आएगा और कहीं कहीं से नहीं, एक जैसे नहीं लगेंगे ना ये। तो ये गुलाब जामुन तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। निकाल लेती हूँ उसको ना। कल तो है ना, कल दिवाली का दिन है तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा हम लोगों को ना कल तो। तो अभी हम लोगों ने ये एक्चुअली ना मैं हम लोग आजकल फेस्टिवल्स पे बाहर से स्वीट्स बिल्कुल भी नहीं लाते ना, पता नहीं कैसे कैसे क्या मिलावट करते हैं। तो इट्स बेटर कम चीज़ खा लो, कम वैरायटी में, कम
और एकदम अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। बाहर यार फेस्टिवल्स में पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं इसमें, पता नहीं। ये बच गई हैं बॉल्स, ये डाल देती हूँ। ये बच्चे हैं लास्ट, मैं इनको सबको एक साथ डाल रही हूँ। और ये है लास्ट। तो यार 10 मिनट में सारे फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। गैस हो गया है एकदम वो फ्लेम पे, तो मैं हल्का सा इसको, एक्चुअली ये ना लोहे की कढ़ाई है ना, तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, फिर ऐसे मैंने इसको एकदम स्लो कर दिया था। फ्लेम इतना होना चाहिए कि एकदम डालती ना जल जाए एक मिनट में, तो इतना मीडियम होना चाहिए फ्लेमनेस का, ताकि वो एकदम से जले नहीं। मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे हैं सबको फ्राई करने में। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, देखो हल्के हल्के कलर चेंज हो रहा है इनका ना। ये घी पता मैंने ना घर में बनाया था, बाहर वाला तो ख़त्म हो गया था घी, और ये वाला घी मैंने बनाया था घर में, तो ये मैं उसी में ही फ्राई कर रही हूँ। हो गया ठीक, मैं कर देती हूँ गैस को बंद। हो चुके हैं सब, देखो कितना अच्छा कलर आया ना। हाँ एक तो पिचक भी बह गए थे, ऐसे हो गया पता नहीं, देखती हूँ मैं बाद में, बट अच्छे बने हैं यार। कोई बात नहीं, पेट में जाने हैं और घर में खाने हैं, जैसे मर्जी शेप आ रहे हैं। गया लास्ट, मैं इसको हल्का सा लगा देती हूँ, ऊपर नीचे कर देती हूँ इसको मैं। और कल तक इनमें चाशनी अच्छे से फिल हो जाएगी, क्योंकि मैं सोच रही पूजा में यही चढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग बाहर से स्वीट्स नहीं ला रहे। तो कितने गर्म गर्म है ना यार, मन कर रहा है अभी खा लूँ। राज देखो, इधर आओ, कम फास्ट। गुड है ना, मस्त है। सो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट दिवाली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।